नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बरती लापरवाही, नर्सिंग होम सील, जच्चा और बच्चा की मौत पर प्रशासन ने की कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत मामले में प्रशासन ने गुरुवार को रश्मि निजी नर्सिंग होम को सील कर दिया है। परिजनों की शिकायत के बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर नर्सिंग होम को सील किया। तहसीलदार ने बताया कि जांच में किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो, इसलिए अभी इसे सील कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सूरजपुर के तिलसिवा में स्थित रश्मि नर्सिंग होम में ग्राम भुवनेश्वरपुर की रहने वाली पूजा साहू को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि वो 3 अप्रैल को पूजा को लेकर प्रसव के लिए जिला चिकित्सालय आए थे। यहां उसका 4 अप्रैल तक इलाज किया गया, लेकिन जब वहां पूजा की हालत में सुधार नहीं हुआ तो वे उसे लेकर अंबिकापुर किसी अन्य हॉस्पिटल उपचार के लिए जाने पर विचार कर रहे थे। इसी दौरान जिला चिकित्सालय सूरजपुर की डॉक्टर और रश्मि नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर रश्मि ने उन्हें ये कहते हुए अपने नर्सिंग होम में एडमिट करा लिया कि जो वहां उपचार होगा वो उपचार उनके नर्सिंग होम में हो जाएगा। परिजनों ने डॉक्टर रश्मि की बात मानते हुए पूजा को 4 अप्रैल की शाम डॉक्टर रश्मि के नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। यहां 5 अप्रैल को पूजा का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और कुछ घंटों के बाद रात में पूजा ने भी दम तोड़ दिया। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस नर्सिंग होम पहुंचकर जांच में जुट गई है और शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय सूरजपुर भेजा गया।